तो दिन है मंगलवार का, तारीख है 12 सितंबर 2023, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी पर चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा यानी कि शुभ अंक रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ दिशा रहेगी पूर्व, राहु काल रहेगा शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:04 से लेकर रात को 11:01 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 8:04 तक। विशेष क्या है, शिव योग है और ऐसे में भौम प्रदोष है, मंगलवार भाद्रपद महीने के मंगलवार का प्रदोष, देवादिदेव महादेव का विशेष दिन है और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी इसी से ही संबंधित है, उसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं भविष्यफल की राशिफल के साथ। मेष, वाद विवाद के योग हैं, बातचीत से विवादित मामले सुलझाने का प्रयास करेंगे, पारिवारिक रिश्तों में खटास आने के योग हैं, उपाय ये करेंगे तांबे के बर्तन से पानी पिए। वृष, गुस्से पर काबू रखें, काम बिगड़ने के योग हैं, खर्चे अधिक होंगे, आर्थिक संकट आने के योग हैं, नए काम का सफल रहेंगे, उपाय ये करें कि चुटकी भर सिंदूर जल प्रवाह करें। मिथुन, कारोबारी यात्रा लाभकारी रहेगी, दफ्तर में लंबित काम पूरे होंगे, परिजनों से बातचीत में संयम बरतें, कारोबार में लाभ होगा, उपाय ये करें कि तांबे के बर्तन में पानी भरकर घर की दक्षिण दिशा में रखें। कर्क, कड़ी मेहनत के बावजूद लाभ कुछ कम होगा, हताशा महसूस होगी, माता की सेहत की टेंशन रहेगी, परिवार के साथ में चर्चा में संयम रखें, उपाय ये करें कि धर्मस्थल में मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। सिंह, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, छात्रों को पढ़ाई में बाधाएं आएंगी, आकस्मिक खर्च के योग हैं, पारिवारिक कलह के योग हैं, उपाय ये करें कि नारंगी शेड के कपड़े पहने। कन्या, आर्थिक लाभ मिलेगा, भाई बहन से लाभ होगा, नए काम शुरू करने की योजना बनाएंगे, प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलेगी, उपाय ये करें कि इच्छा अनुसार मसूर का दान करें। तुला, असफलता के कारण निराश रहेंगे, असमंजस की स्थिति रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी, खास कामों में सावधानी से आगे बढ़ें, उपाय ये करें कि पीपल के पेड़ पर जायफल चढ़ाएं। वृश्चिक, दफ्तर में कामकाज का बोझ बढ़ेगा, परिजनों के साथ में मनमुटाव के योग हैं, कुमारों का रिश्ता पक्का होने के योग हैं, उपाय ये करें कि पूजा घर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं। धनु, सेहत पर ध्यान दें, सड़क पर संभल कर चलें, दुर्घटनाओं के योग हैं, मानसिक परेशानी रहेगी, परिजन जो हैं वो विरोधी व्यवहार करेंगे, उपाय ये करेंगे ज़रा सा शहद खाएं। मकर, दफ्तर में लंबित काम पूरे होंगे, खास लोगों से संपर्क होगा, कामकाज में वृद्धि के योग हैं, दाम्पत्य जीवन में आनंद रहेगा, उपाय ये करें कि बुक या डायरी पर सिंदूर से अंगह लिखें। कुंभ, मानसिक संवेदनशीलता रहेगी, धन हानि के योग हैं, परिवार के साथ में समय बिता पाएंगे, मित्रों के साथ में विवाद से मन दुखी रहेगा, उपाय ये करें कि पूजा घर में चमेली के तेल का दीपक करें। मीन, शारीरिक थकान रहेगी, कामकाज का बोझ बढ़ेगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, अधिकारियों से खास विषयों पर चर्चा होगी, उपाय ये करें कि गाय को गुड़ खिलाएं। तो दोस्तों, अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो दुर्घटनाओं से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए, खास दिन है, भौम प्रदोष का दिन है, भाद्रपद महीने का मंगलवार और प्रदोष की तिथि, ऐसे में भौम प्रदोष मनाया जाएगा, ऐसे में शिवलिंग के पूजन का विधान है, तो क्या करें आप, दुर्घटनाओं से मुक्ति पाने के लिए बरगद के पत्ते पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम ग्लौम ग्लाम अघोराय नमः, आश्वस्त करता हूँ दुर्घटनाओं से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।